सो श्री प्रणति सिंधे संक्षिप्त में पूछना, समय हो गया 12 बज गई है। नहीं सुनाई नहीं दे रहा। सुन, काफ़ी सारे PHCs हैं हमारे महाराष्ट्र में, देश में, जो अभी भी इल इक्विप्ड है। सिवाय अल्ट्रासाउंड देर आर नो अदर, देर इज नो अदर मशीनरी इन दीज PHCs, एंड अ लॉट ऑफ पीपल हैव टू कम टू द मेन सिविल हॉस्पिटल जो शहर में होता है, वहाँ पे फॉर एग्जांपल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए भी उनको सिविल हॉस्पिटल में आना पड़ता है, या ECG, एक साधारण ECG लेने के लिए भी उनको सिविल हॉस्पिटल में आना पड़ता है। तो ऑनरेबल मिनिस्टर, आई लाइक टू आस्क यू थ्रू स्पीकर सर, और यहाँ पे डॉक्टर्स भी नहीं रहते हैं बहुत बार, अतिरिक्त जिनके पास जिम्मेदारी होती है वो रहते हैं। सो आर यू गोइंग टू इक्विप ऑल द PHCs इन आर कंट्री विद ECG मशीन्स, विद मोर अल्ट्रासाउंड मशीन्स, हैव अ डिसेबिलिटी सेंटर? जो स्वावलंबन पोर्टल है वो भी पिछले 3 महीनों से चल नहीं रहा है। क्या आप हर एक PHCs में ये सेंटर्स लगवा देंगे? माननीय मंत्री जी, समय 12 बज गए। मैं बड़े शॉर्ट में आपको बताता हूँ कि जो हमने व्यवस्था की है वो इस प्रकार से है कि सब सेंटर्स में हम 106 मेडिसिन फ्री देते हैं और 14 टेस्ट फ्री करते हैं। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में 172 मेडिसिन हम देते हैं और 63 टाइप के हम टेस्ट फ्री करते हैं। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में हम 300 मेडिसिन देते हैं, 97 टाइप के टेस्ट हम फ्री करते हैं। और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में हम 381 फ्री मेडिसिन देते हैं और 134 टेस्ट फ्री करते हैं। जहाँ तक सवाल है, बहुत से प्रोग्राम्स को इन 10 सालों में हम लोगों ने अनफोल्ड किया है, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक किया है। आप सबको जान करके खुशी भी होगी कि हमारे डायलिसिस का प्रोग्राम कभी हम सोच नहीं सकते थे। लोग 250-250 किलोमीटर, 300-300 किलोमीटर डायलिसिस के लिए जाते थे। आज सब डिविजनल हॉस्पिटल और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में भी हमने डायलिसिस का प्रोग्राम किया है। तो इस तरीके से हमारी कोशिश है कि आम आदमी को सरकार के तरफ से सुविधाएं स्वास्थ्य की मुहैया कराई जाएं।